सारियां दे स्वास स्वास प्रतपालना कर रहे है। प्रतपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परयो रामदास। रब दा सेवक मेरा नाम पै गया, हर जियो नाम परयो रामदास। क्यों? क्योंकि मैं मालक नूं आराधदा रहिना, उहदी सिफत करदा रहिना। तो पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निरजियो। भूली मालनी है इउं सतगुर जागता है देओ ब्रह्म पाती। आ जिहड़े पत्ते तोड़े ने ना, ये ब्रह्मा है, क्योंकि पत्तियां तो ही विकास हुंदा है। जदों पौधा धरती च जड़ लाउंदा है ते ध्यान रखियो, उहदे सब तो पहला पत्तर दिखाई देंदे ने, इसलिए उहनां नूं ब्रह्मा कह दिता। जन्म होया ब्रह्मा ने दिता, मनौत है। तो पत्तर दिखे ने, सब तो पहला दो पत्तर आए ने, फिर करूंबलां निकलनियां शुरू हो गईयां, इसलिए ब्रह्म पाती। फिर कहिंदे बिशन डारी, आ जिहड़ियां डालियां ने विष्णु ने, क्यों डालियां पत्तरां नूं खुराक दे रहियां ने। ते विष्णु की देंदा है? रोजी रोटी, मनौत दे आधार ते, गुरमत नहीं। मैं वार वार बेनती कर रहा, गुआंढी धर्म की सोच दे आधार ते विष्णु रोजी रोटी प्रदान करता है। डालियां पत्रां नू रस प्रणालियां देंदियां ने, रस प्रदान कर दियां ने, इसलिए डालियां नू विष्णु दा रूप कह दिता है। ब्रह्म पाती बिशन डारी फूल शंकर देओ। आ जिहड़े फुल खिले ने, ये थोड़े समय बाद मुरझा भी जांदे ने, इसलिए ये शंकर यानी शिव जी हन। तिन्ने तोड़ लै ने, तू जदों फुल तोड़िया उहदे नाल डाली भी आई है, दो तीन पत्ते भी नाल आ गए ने, ते फुल भी नाल आ गया, तीनों टुट गए। तीन देओ परतख तोरे करें किस की सेओ। बाबरी ये मालने, तू सेवा की दी कर रही है, तीन देवत्यां नूं परतख रूप विच तोड़ दिता है, ऐ तां मनुख कर रहा है। हर बंदे दा दिल तोड़दा है ते कहिंदा है रब मेरे उत्ते रीस जाए। हर गरीब नूं परेशान करदा है, कहिंदा है रब मेरे उत्ते रीस जाए। गरीबां दे घर ढा देंदा है, कतलो गारत करवा देंदा है, दंगे भड़का देंदा है, ते कहिंदा है परमात्मा भगवान मेरे नाल है, वो मेरे ते रीस जाए। नहीं रीजेगा। रब दे बनाए हुए बंदियां नूं तू दुख दे रहा है, रब दे बनाए बंदियां नूं परेशान कर रहे हैं, रब दे बनाए बंदियां नूं पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और सारे विश्व च यही तो हो रहा है। जिस मनुख दा दाओ लगता है, वह कहिंदा भी जिवें भी इहदे नाल ठगी ठोरी लगती है, ला लो, इहनूं किहड़ा पता लगना है। की कर रहे हैं? दुकानदार ने दुकान की एक दीवार ते लिखिया है, ग्राहक मेरा परमात्मा है। परमात्मा नूं ठग रहा है, लिखता है कादे लई, लोगों नूं प्रभावित करन लई कि लोग मनन भी बंदा धार्मिक है। इहदे ते यकीन करो, इहदे ते निश्चा बनाओ। जिहड़ा कर्म गवांडी धर्म कर रहा सी उही सिख कर रहा है, कोई बहुता फर्क नहीं। अपने गुरु दे द्वारे दी शान लई निशान दा झूलना जरूरी है, पर किथे लिखिया कि उहनूं कच्ची लस्सी दे नाल इशनान करवाउणा है? पर ऐ सिख कर रहा है। जिहड़े कर्म तू दिन रात कर रहा है, हो सकता है रब उन्हां कर्मां ते रीझ ही ना रहा होवे, और तू भरम विच वह कर्म करी जाना। जिहड़ा दो किलो दुध उस बाल्टी च पा के, जां अद्धा किलो जां एक किलो दुध पाया किसी गरीब नूं दे, जदों उहदियां वाशां खिल जाणगियां, उहदा पेट भरेगा, वह प्रसन्न होकर आखेगा धन ने गुरु दे सिख, धन है गुरु का द्वारा, जिथों मेरे बच्चे नूं पीण वास्ते दुध मिलिया है। साड़ी सोच कित्थे है? सानू थोड़ी जी तवज्जो देनी पैनी है।
जिन्हां नूं असीं धर्म समझ के धर्म कमा रहे हैं शायद वो धर्म किसी रूप च नहीं हो रहा हुंदा, भुलेखा है साडा। तो कवन सो पूजा तेरी करूं, मैं तेरी पूजा किवें करां, किहड़ा तरीका है? संच हर धन पूज सतगुर, नाम जपना ही असल विच उहदी पूजा है। संच हर धन पूज सतगुर, कंडीशन की है, शर्त की है? छोड़ सगल विकार, ऐदां प्रसन्न होवेगा। नाम दा धन संग्रह कर ते सारे विकारां नूं सहजे सहजे अपने अंदरों तिलांजलि देंदा जा, इन्हां दे वर्त रख लै। हुण झूठ बोलण दा मैं वर्त रख लिया, हुण किसे नूं छलण वल्लों मैं वर्त रख लिया, नहीं छलांगा, किसे नूं धोखा नहीं देंगा, किसे नूं मैं बुरा नहीं आखांगा। यह कम कर जे रब नूं रिझाना चाहना है, क्योंकि घट घट मैं हरजू बसे है, संतन कहो पुकार पुकार के रब दे प्यारे आख्यो वसदा है अंदर, पर क्यों नहीं इस मनुख नूं दिखाई देंदा, किसे अहुदे दे मालिक नूं, किसे मुरातबे दे मालिक नूं क्यों नहीं दिखाई देंदा। अकाली मैनूं एक गरीब कीर्तनिया मिलिया, बेचारा कीर्तन भी करदा, नाल आटो चला लैंदा, गुजारा करदा, ठीक है, कंडीशन हो सकती है। वो कई बार जरूरत होंदी उहनूं, पिछे जे बेटा होया उहदे, आ गया कहिंदा ज्ञानी जी भी हस्पताल चों छुट्टी दवानी है, छुट्टी वास्ते पैसे नहीं। मैं कहा जी कोई गल नहीं, जिन्नी क बण आएगी वो मदद करांगे, हक बनदा। कदे कोई ऐसी मुसीबत फसिया बंदा होवे उत्ते जरूर तरस कर लेना, रब नूं रिझाउण दा सब तो वधिया तरीका है। पाठ पूजा नाल नहीं रिझेगा वो, तू जिन्ना मर्जी करी चल। हाँ, अमृत वेले जाग के पाठ करन दी गल आपां पहलों कीती है, पर वो कीता हुआ सफल तां है जे उहदे उत्ते अमल कीता जाएगा, क्योंकि गुरबाणी अमली जीवन देंदी है। केवल ये पढ़न वास्ते जां सुनन वास्ते नहीं लिखी गई। तो सज्जन आटो चला के गुजारा कर लैंदा, मैनू कहिंदा जी मैं बेटी दा सर्टिफिकेट बनवाना सी, बर्थ सर्टिफिकेट। आम तो आप असीं हस्पतालां चों लैंदे आ, पर एक सानू फिर दर्ज करवा के पक्का लैना पैंदा। तो मैं क्या फिर लै लो, कहन लगा जी की करां, जदों भी उहनां कोल जाना है वो 5-7 हज़ार रुपया मंगदे ने, जदों कि उहदा टोटल खर्चा 80 रुपये है, जिहड़ी सरकारी फीस है उहदी 80 रुपये फीस है उहदी। ते करिंदे बैठे ने, उह किन्ना मंगदे ने, 5 हज़ार दिओ जी, ये काम तां होवेगा, नहीं तो 2-4-5 महीने 6 महीने उहनां लटका देना है। परेशान होया बंदा, कहिंदा भी दिओ इहनां दा मत्था डमो ते अपना कार्ज कर लो। मुश्किल च अहुदेदार बैठा है, किसे मुरातबे नूं हासिल कर लिया उस बंदे ने, वो दूजियां दे उत्ते इस तरह का तशद्दुद करना, इस तरह का जुल्म करना, इस तरह उन्हां दा खून नचोड़ना बंद करदा है, रब रीझ जाएगा। तैनू जिहड़ा भी अहुदा वाहिगुरु ने प्रदान किया है, तू उस अहुदे का नजायज फायदा ना उठा, सारियां दा हक सारियां दी झोली विच पा, क्योंकि सरकार तैनू तनखाह दे रही है। जे तेरा तनखाह नाल पेट नहीं भरिया, ते दूजियां दे कोलों रिश्वत दा धन लैके भी तेरा पेट नहीं भरना, तेरे परिवार दे जीआं दे रोग सोग ते लग जाएगा, बचेगा किदां? रब किवें रीझेगा तेरे ते? तेरे जीआं ते प्रसन्नता होवेगी उहदी? तेरे जीव रोग रह सकणगे? वो चंगे राह ते चलणगे? नहीं चलणगे, क्योंकि उहनां दे रस्ते, उहनां दे कदम गलत रस्तियां ते तुरनगे, क्योंकि तू दूजियां दे नाल नजायज कर रहा है। और प्रसन्न परमात्मा नूं करना चाहुंना, परमात्मा तेरे ते प्रसन्न नहीं होवेगा। हजूर महाराज कहिंदे कवन सो पूजा तेरी करूं, ये पूजा दा जिहड़ा टॉपिक है ना, तुसीं किन्ने घंटियां बद्धी लगातार इस विषय ते बोलदे जाओ, ये समाप्त होने वाला नहीं है, और खास करके अजोके समय च इहदी लोड़ बड़ी है। तो अर्ज कर रहा सी ना, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, हर बुराई, हर बुरा कर्म जिस नाल किसे दे मन नूं ठेस पहुंचदी होवे उहदा त्याग करना शुरू कर दे, रब दी प्रसन्नता मिलेगी।
तो हजूर जी बचन कहंदे ने कवन सो विद जित भव जल तरों, वो केड़ी विधि है जिस विधि दे नाल मैं संसार सागर तो पार लंघ जावां, अरजोई कर लवां गुरतार तारण हारिया, दे भगत पूरन अविनाशी हो तुझको बलिहारिया, क्यों हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, साड़ी जिंदगी दी नैया पापां दे नाल भरी होई डोल रही है, संसार रूपी इस विषयां दे जल विच डोल रही है, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए, नेचो दे वड्याई गुर तार तारन हारिया, ऐ मेरे मालक तरस कर मेरे ते, मैनू भव जल तो पार ला, वो जुगत मैनू प्रदान कर जिस जुगती नाल मैं संसार सागर तो तर जावा, माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा, तेरा ही आसरा है तेरा ही सहारा है, फिर बख्शिश कीती है पवन तप जित तपिया होए, पवन सो नाम हो मैं मल खोए, ओ केड़ा तप है जिदे नाल सच मुचदा मैं तपीश्वर बन जावा, तपियां नूं लोकां ने मान बड़ा दिता है सन्मान बड़ा दिता है, पर तपीश्वर ते ऐसे भी ने, नगर दे लोकां नूं कहिंदे ने गुरु अंगद साहिब दा पलंग चुक के बाहर लै जाओ, याद आ ना साखी, गुरु अंगद साहिब दा पलंग नगरों बाहर कढ दिओ, काल पिया है वर्खा नहीं हुंदी ना, मैं वर्खा पवा देंगा, क्योंकि जलन खांदा सी कि जिथे गुरु अंगद साहिब बैठे ने उत्थे मेरी पूजा नहीं हुंदी, तप बड़ा करदा है, सिख स्वार्थी सन, सिखां ने आख्या साडा गुरु नाल की नाता है, साडा संबंध है साडे कारजां दी पूर्ति होवे, अज दा सिख भी यही कर रहा है, ये कहिंदा मड़ी नूं मत्था टका लो मेरा कारज पूरा होना चाहिए, मैनूं मसीत अगे सिर चुकवा लो मेरा कारज पूरा होना चाहिए, मेरे कोलों भावें तुसीं हत्थां विच पत्थरां दे नग पवा दिओ मेरा कारज पूरा होना चाहिए, गुरु कोलों पूरा कारज नहीं करना चाहता। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की कहती है, फिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे, यकीन नहीं आया, जे यकीन नहीं आया तो ठीक है, फिर तो तेनू पत्थरां की पूजा करन की लोड़ है, फिर तेनू नग शग पाउण की जरूरत है, फिर तेनू मड़ियां ते मटियां नू पूजन की लोड़ है, पर जे भरोसा आ गया ते फिर इन्हां पंक्तियां ते यकीन करके निश्चा करके अकीदत नाल मन लिया कर, फिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे, काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह, सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने, निरभउ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। अपने सेवक दे कारज रास करदा है, अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे, भरोसा कर, क्यों मन डोल रहे है। तो साहब जी ने बख्शिश की अपनी अमृत बाणी विच, कवन तप जित तपिया होए, पुठा लटक के तप नहीं होना, जल धारे कीत्यां तप नहीं होना, धूनिया ता के विचाले बैठियां तप नहीं होना, केड़ा तप करां, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघे वहेला, पर सरवर जब उछलै तब तरण दुहेला, जदों तेरे सवासां दा सरोवर भर गया शरीर दे मौत दा समा नेड़े आ गया, उस दिन तैनूं तरना आसान नहीं होवेगा, इसलिए वाहिगुरु की सिफत दा जप तप दा बेड़ा बन, तू पवजलों पार लंघ सके।
कवन सो नाम हो मैं मल खोए। वो केड़ा ऐसा नाम है जिदे नाल मेरे अंदर दी हौमै दी मैल खत्म हो जाए, मेरी हौमै समाप्त हो जाए। कोई जुगत है ऐसी है? हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी इस माए कृपा करे जे अपनी। तरस दृष्टि का पात्र बन जा, जे उदी मेहर दृष्टि पै गई तेरी हौमै दी मैल नू दूर कर देगा। और जदों तेरी हौमै दी मैल निकल गई, क्योंकि दवाई भी अंदर ही है, दवाई भी इत्थे ही है, बाहर नहीं है, तेनू बाहरों ढूंढण जाण दी लोड़ नहीं है। अपने गुरु दी कृपा दा पात्र बन जा, बस कृपा दृष्टि पैंदियां ही तेरी हौमै ने खलास हो जाणा। नाम दा वसेबा हिरदे च कर, ते जिथे नाम है उथे हौमै नहीं आएगी। वरना हौमै नामै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए। दोनों का टिकाणा एक नहीं ना हो सकता, एक नूं ते बाहर कढ़ना ही पैना। भावें हौमै नूं कढ लै भावें नाम नूं कढ लै, तेरी मर्जी है। तू जिन्हों अंदर बसाना चाहना बसा लै, भावें अपने परिवार के जिया घर रख लै, ते भावें दुश्मनों नूं अपने घर लिया के बसा लै, तेरी मर्जी है। भावें मित्रां नूं थां दे ते भावें विरोधियों नूं थां दे, तेरी मर्जी है। पर इस बंदे का सुभा यह है, काच बिहाजन कंचन छाडन वैरी संग हेत साजन त्याग खरे। कच दी ये पूजा करता है, कच नू संग्रह करता है, ते सोने नू छड़ देंदा है, भाव मंदे नाल नाता जोड़दा है, ते चंगे दा त्याग कर देंदा है। अगो स्पष्ट करदे ने, वैरी संग हेत दुश्मना नाल प्रीत पाई बैठा है, ते साजन त्याग खरे। जिहड़े चंगे गुण रूपी अंदर सजण ने उहनां दा त्याग कर देंदा, विकारां रूपी वैरियां नाल इह गल वकड़ियां पाई फिरदा, उहनां नाल प्रीत बनाई होई आ। किवें गल बणे? तेरे अंदर दी हौमै नूं खलास कर, इह हौमै जाएगी तां हौमै जाई तां कंत समाई, वाहिगुरू विच सदा लई लीन हो जावेंगा। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल, जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल। परमात्मा मेहर कर दे, पूरा दयालु गुरु जिसनू मिल जाए उदे अंदर ही गुण पैदा हुंदे ने, उदी ही घाली होई घालना सफल हुंदी है। ते ओहो ही मनुख है जिदे अंदर ज्ञान अते ध्यान दी उपज हो जांदी है। ज्ञान भी ओदे कोल जिदे ते दयालु सतगुरु ने तरस दृष्टि कर दित्ती, ध्यान भी ओदा लगेगा जिदे ते ओ तरस करेगा, गुण ओदे अंदर पैदा होणगे, कीती पूजा ओदी प्रवान होवेगी, जिस बंदे ते मालक दी दया दृष्टि होवेगी। तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता। ये शब्द दा रहाओ वाला दूसरा बंद है, दो रहाओ बंद ने इस शब्द विच। पहले रहाओ बंद दे विच सवाल सी, ते दूजे रहाओ बंद विच उदा जवाब है। जिथे भी शब्द विच दो रहाओ बंद आउण, कई शब्दों तीन वार रहाओ बंद आउंदा है, ते टावे थावां ते चार वार भी एक एक शब्द विच रहाओ बंद आउंदा है। उहदे अलग अलग चार प्रसंग बनदे ने, किते सवाल हुंदा है ते दूजे विच जवाब दिता हुंदा है। हुण जदों आपां पहला रहाओ बंद पढ़िया सी, उहदे विच वचन सन कि कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो। मालक दी प्रसन्नता केड़े बोलां नाल मिले, ते केड़े गुण मैं हासिल करां कि वह मेरे ते त्रुठ पै। अंत विच सतगुरु दा जवाब देंदे, तिस ही गुण रिझाउण वाला गुण उसे बंदे विच पैदा हो सकदा। तिन ही प्रभ जाता, उसे मनुख ने प्रभु नूं जाणिया नाता जोड़ लिया, जिस की मान ले सुख दाता। सुखां दा दाता वाहिगुरु जिस दी अरजोई नूं अर्ज नूं मिहनत नूं बेनती नूं सुन लवे। साडियां बेनतियां ते असीं करदे हैं, सुनदा है वो,
पर प्रवान नहीं करता, क्योंकि असी उस जिद्दी बच्चे वर्गे हो गए जिहड़ा सारा दिन रू रू करता रहिंदा कि चिर मां मने किनियां गल्लां मने उहदी। जे ते एक अद्ध वार रोए ते मां कहिंदी कोई नहीं पुत्तर दे देंगे, सारा दिन ही आखी जाए रू रू करके, घड़ीक नूं फिर रो पै, पलक नूं फिर रो पै, सारा दिन दिन विच 50 वार रो के आके मैनू ए चीज़ां चाहीदियां ने, मां खिज जाएगी, प्यो खिज जाएगा, भरा खिज जाएगा, वड्डी भैण खिज जाएगी। जरूरी सी मंग, मंग लेना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, पर मंग ही मंगी जानी फिर उस जिद्दी बच्चे वर्गे हैं जिस बच्चे का रोना माँ बाप नूं भी पसंद नहीं आता। हसदा होया बच्चा सारे बाहां फैला के चुक लेंदे ने, रोंदे बच्चे नूं कदे कोई चुकदा वेख्या? मजबूरी च माँ चुक लै, बाप चुक लै, भैण चुक लै, भरा चुक लै, मासी ताई चुक लै, आंढी गुआंढी रोंदे बच्चे नूं, रोण लगे तो पकड़ा जांदा फड़ो इहनूं भाई रोंदा। जदों साडा रोना समाप्त नहीं होवेगा तो रब भी सानूं परां करके दुखां च बिठा दिंदा भी इहनूं सांभो बई, दुखां दी लपेट विच आ गए। किवें गल बनेगी? भाई साहब भाई गुरदास जी का एक बचन है, मैं कह के समाप्ति करनी, टाइम हो गया। भाई साहब जी ने एक कवित बड़ा प्यारा लिखा है और आप जी नूं याद होवेगा, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीश्वर है तां ते सभा मध बहु बसन प्रवाह जी। मुनीश्वर नूं लंगोटी के जिन्ना कपड़ा द्रौपदा ने प्रदान किया, कहानी कहिंदी है भी जदों द्रौपदा नूं बेपत किया जाना सी उदन वह पुन दान किया होया कपड़ा हजारां गज बन के प्रगट हो गया। कहानी तो समझण लई है कि जो बीजिया उ ही सानू हासिल होना है, इशारा मात्र है। कहानी गुआंढी धर्म की है, इशारा मात्र ये गल नूं समझना है कि जिहड़ा काम करदे उहदा फल सानू समा पा के मिलना ही हुंदा है, चंगा कर लईए जां माड़ा कर लईए। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मनीषर है तां ते सभा मध बयो बसन प्रवाह जी। तनक तंदल सुदामे दै जगदीश है तां ते पाए चतर पदार्थ था जी। दुखत गजिंद दुखी हाथी, दुखत गजिंद अरबिंद कमल फुल, गै भेट रख है तां कै काजे चक्र पान आन ग्रसे ग्राह जी। कहा को करे काश होत ना काहू के किए। मनुख दे उद्यम नाल, निरे उद्यम नाल कुछ नहीं हो सकता जिन्ना चिर ओदी मेहर नहीं। कहा को करे काश होत ना काहू के किए, जा की प्रभ मान ले सर्ब सुख ताहे जी। जिदी रब मन ले, बेनती प्रवान कर ले, सारे सुख सहज पाए उनू प्राप्त हो जाते ने। और अंतलियां पंक्तियां दा एहो भाव है, जिस की मान ले सुखदाता उसे बंदे अंदर गुण ओही प्रभु नाल सांझ पा सकदा है। जिदी मन करके अर्ज होवे भी मिल मेरे प्रीतमा जियो, हो तुद बिन खरी निमानी। हजूर बख्शिश करन, सारियां संगतां दे सिर ते रहम दा हथ रखन, अपनी सिफत सलाह नाल जोड़ लैन, असी गुरु मर्यादा दे धारनी बन सकीए और सानू पता लग जाए कि धर्म दे निजम ते धर्म दे गुण की ने, उन्हां दे असीं धारनी बन के अपना मानस जामा मनुख जामा सवार सकीए। फिर ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। कोटान कोट श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, समूह संगतां दा, समूह प्रबंधक कमेटी दा, जिन्हां ने गुरु दी बख्शिश नाल उपराला करके ये सारे समागम रचे ने, तां कि कोई गुरु दी मत दी गल किसी एक प्राणी दे हिरदे भी टेक गई तो साडा यह कीता होया समागम सफल हो जाएगा। साडी कीती मेहनत, साडी कालना, साडा धन खर्चिया होया सारा कुछ सफल हो जाएगा जे एक प्राणी भी किसी शब्द के जरिए तब्दील हो गया। भुल्ला खिमा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।